नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टाटा ग्रुप का बड़ा धमाका। टाटा ग्रुप 20 साल बाद अपना IPO लेके आया और निवेशकों के मन में इसके लिए कितना प्यार था वो आज के सिंगल डे के डेटा से समझ में आ गया है। देखिए, हमेशा याद रखना 3 दिन IPO ओपन रहता है और ऑलमोस्ट 2.5 हाफ ढाई दिन में जितना सब्सक्राइब होता है ना, उतना लास्ट के आखिरी के आधे दिन में सब्सक्राइब होता है, मान के चलो आप। यानी ढाई दिन का सब्सक्रिप्शन एक तरफ और वो लास्ट के आधे दिन का सब्सक्रिप्शन एक तरफ। और आज शेयर ने एक रिकॉर्ड ही बना दिया, शुरुआती 35-36 मिनट में ही पूरा सब्सक्राइब हो गया। 3,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाहती थी, 36 मिनट के अंदर आ गए। और ये तब आए हैं जब बाकी 4 IPO और ओपन है। और ऐसा नहीं है बाकी के IPO को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है। गांधार ऑयल भी अच्छा सब्सक्राइब हुआ है, फ्लेयर जो राइटिंग है वो भी ऑलमोस्ट 2 टाइम सब्सक्राइब हो गया है आपका, और आपका फेड बैंक भी सब्सक्राइब हुआ है। तो सारे IPO, मतलब शेयर बाजार में जो हर्षद मेहता ने एक बार कहा था ना कि ये पैसों का कुआ है, यहाँ पे पूरी दुनिया के पैसों की प्यास बुझाई जा सकती है। लिटरली शेयर मार्केट में पैसे की कोई कमी नहीं है। आज भी आप देखो मार्केट से पैसा निकला तो है नहीं, लेकिन प्राइमरी मार्केट में लोगों की बैंक से बहुत पैसा पहुंचा है। 3,000 करोड़ रुपए आपका टाटा टेक ने डिमांड करी, आज सिंगल डे में 36 मिनट में सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हुआ और सिंगल डे में 6.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है पहले दिन कंपनी को। 6.5 गुना यानी 18-19 हजार करोड़ रुपए पहुंच गए कंपनी में पहले दिन। इसीलिए मैं कंटिन्यू टाटा टेक के IPO को लेकर वीडियो बना रहा हूं और एक ही चीज बोल रहा हूं, एक IPO में एक लॉट ही अप्लाई करना। और टाटा मोटर्स के शेयर धारकों तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके दिमाग में, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। सबसे पहले अज्यूम करो कि भैया मैं टाटा मोटर्स का शेयर धारक हूं, यानी टाटा मोटर्स के शेयर है मेरे पास। ऐसा नहीं है मैंने कल खरीदे, तो 13 तारीख से पहले मैंने शेयर्स खरीदे थे और 14 तारीख तक मैंने होल्ड करे थे, तो मैं शेयर होल्डर कैटेगरी में आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक लॉट तो शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा सकता हूं और दूसरा लॉट बिना शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा सकता हूं। यानी 15,000 यहां 15,000 यहां 30,000 रुपए लग गए, दो लॉट में मैंने अप्लाई कर दिया लेकिन अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है जी। इससे अलॉट जिसमें शेयर धारक वाली कैटेगरी में थोड़ा चांसेस ज्यादा है मिलने के, और दूसरे में भी चांसेस हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं। लेकिन अगर आप शेयर धारक नहीं थे और फिर भी आप अप्लाई कर रहे हो शेयर धारक कैटेगरी में, तो ये चीज याद रखना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और हर तरफ से रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है जी। दूसरी बड़ी बात, भाई मेरे 5 डीमेट अकाउंट है, मेरे 5 डीमेट अकाउंट में एक में टाटा मोटर्स का शेयर है, बाकी के 4 में नहीं है, मैं क्या करूं। भैया एक चीज याद रखो, पैन कार्ड आपका एक ही है, हर डीमेट अकाउंट में आप ही का नाम है, आप ही का पैन कार्ड है। किसी भी डीमेट अकाउंट में टाटा मोटर्स के शेयर है ना, तो आप किसी भी एक डीमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करो शेयर होल्डर कैटेगरी में और दूसरी में नॉन शेयर होल्डर में, रिटेल पोर्शन में आप कर सकते हो, लेकिन एक एक लॉट ही करना। अपनी फैमिली मेंबर यानी अलग अलग पैन कार्ड से आप अप्लाई करो, जिसके पास शेयर्स थे दोनों जगह करो, जिसपे नहीं थे केवल रिटेल पोर्शन में करो। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी हो। और जिन्होंने 13 तारीख से पहले टाटा मोटर्स के शेयर लिए और 14 तारीख तक होल्ड करे हैं, वही शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि 10 लॉट लूंगा तो एक लॉट तो मिलेगा, ऐसा नहीं होता भाई। सबको एक एक लॉट ही बांटेगी कंपनी, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में सबको एक एक लॉट ही मिलता है, और जिन्होंने एक करा होता है ना उन्हें जल्दी दे देते हैं कि ठीक है ले यार एक ही दिए खत्म। ये कोई यहाँ पे कोई सिफारिश नहीं चलती है। बहुत सी YouTube पे वीडियो की IPO में अलॉटमेंट पाने के चांसेस कैसे बढ़ाए, अरे कुछ नहीं है यार, कंपनी के पास एप्लीकेशन गई है, उन्होंने दे दिया है, बट 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 एक एक सबको बांट दिया, अब 10 गुना सब्सक्रिप्शन आ गया तो 10 में से एक ही को जाना है तो 9 को हटाया एक को दे दिया, वो फिर किस्मत हो गया लक्की, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कंपनी का नाम है आपको देंगे, ठीक है जी। ये सारी चीजें नॉर्मल सी जानकारी थी, आपके साथ मैंने शेयर करी ताकि आप गलत टेंशन में ना पड़ो कि भैया चांसेस कैसे बढ़ाए, सर्च कर रहे हो उस तरीके से अप्लाई कर रहे हो, कुछ नहीं होता। पहले दिन अप्लाई करो या आखिरी के 5 मिनट में अप्लाई करो, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है जी। अब 6.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन और HNI पोर्शन 11.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि हाई नेट इंडिविजुअल जो है ना वो ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि किस हिसाब से क्रेज है टाटा ग्रुप के, टाटा टेक का। लिटरली ये IPO है भी बहुत दमदार। मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है कल जरूर कीजिए, रिटेल कैटेगरी में कर लो अगर आप शेयर धारक नहीं हो तो। फर्क 10% का ही है, रिटेल जो शेयर होल्डर्स है ना उनके लिए 10% एडिशनल है, जो रिटेल कैटेगरी में उनके पास एडिशनल 10% का मौका नहीं है बस। लेकिन मस्ट अप्लाई IPO है ये, क्योंकि
बहुत समय बाद टाटा ग्रुप आ रही है और टाटा ग्रुप पे भरोसा सबको है। सबसे अच्छी बात है 32 के पीई पे कंपनी आ रही है, वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ती है। आईपीओ ओपन होने के बाद ये मुझे नहीं लगता किसी को इस वैल्यूएशन पे मिलने वाला है, कुछ समय तक तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 50% भी बढ़ गया ना तो 50 के पीई पे हो जाएगा और ये डबल आईपीओ होने की उम्मीद लगाई जा रही है, डबल की। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। और क्यूआईबी पोर्शन की बात किया तो 4 times सब्सक्राइब हो गया है, तो फुल सब्सक्रिप्शन है, तंगड़ा सब्सक्रिप्शन मिलता है, दिख रहा है। टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर कैटेगरी में 9.3 times सब्सक्रिप्शन आ गया है, तो ओवरऑल सुपर सब्सक्रिप्शन है, बने रहिए, पैसा जरूर लगाइए और एक ही लॉट में लगाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।